दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन ना ही आपको गूगल पर मिलेगा ना ही YouTube पर। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी के जो वीडियो पर आपने अपना प्यार बताया है वो मेरे लिए अविश्वसनीय है। सिर्फ 20 दिनों के भीतर हमारे चैनल पर 10,000 जितने व्यूज आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो 10,000 लोग तक पहुंच चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयासों से मुमकिन हो पाया है। दोस्तों इस वीडियो में आगे ज्यादा बात न करते हुए मैं वो इन्फॉर्मेशन की आपसे बात कर रहा हूँ, सो आप वीडियो में बने रहिएगा। आप में से कई लोग, या मैं ऐसा कहूँ कि सारे लोग, यह जानते ही होंगे कि पुलिस में सबसे निचले स्तर का कर्मचारी यानी कांस्टेबल और उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, पीआई इत्यादि पोस्ट आती हैं। अब ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और फोटोज आपने कई सारी देखी और सुनी होगी, पर आज मैं इस वीडियो में आपको पैरामिलिट्री फोर्स मतलब कि शिष्ट सेवा और समर्पण की भावनाओं से भरपूर ऐसे व्यक्तियों का संगठन यानी होमगार्ड दल में जो अलग अलग रैंक होती है उसकी बात करूंगा। सबसे पहले होमगार्ड्स में रैंक दो स्तरों में होती है, एक एनसीओ और दूसरी अधिकारी। होमगार्ड्स दल के संचालन के लिए होमगार्ड सभ्यों की संख्या के अनुसार सभ्यों में से ही जरूरी लायकात वाले जवानों को एनसीओ की अलग अलग रैंक मिलती है। एनसीओ में सबसे छोटी पोस्ट आसिसन सेक्शन लीडर और सबसे बड़ी डिविजनल सार्जेंट मेजर की होती है। और हाँ, मैं एनसीओ का फुल फॉर्म आपको बताऊँ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। और एनसीओ के प्रमोशन के लिए जिला स्तर पर आपको एग्जाम देनी होती है। और अब बात करूँ अधिकारी की, तो अधिकारी में प्लाटून कमांडर से डिविजन कमांडर तक की रैंक का समावेश होता है और यह अधिकारी की परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। दोस्तों अब रैंक के हिसाब से और रैंक का सिंबल कैसा होता है वह आप क्रमबद्ध